एनसीपी में जुलाई के शुरुआती दिनों से उठा तूफान अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि इसके आफ्टर इफेक्ट महाराष्ट्र की राजनीति में बार बार हिलोरे लाते दिख रहे हैं। चाचा शरद पवार और भतीजे अजीत के बीच में बटी एनसीपी के दोनों गुट लगातार आमने सामने हैं और शुक्रवार को इसमें एक और नया प्रकरण जुड़ गया। असल में अजीत पवार गुट ने शरद पवार के विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर की है। सामने आया है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजीत पवार गुट ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय में शरद पवार समूह के विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर की। एनसीपी में जुलाई के शुरुआती दिनों से उठा तूफान अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि इसके आफ्टर इफेक्ट महाराष्ट्र की राजनीति में बार बार हिलोरे लाते दिख रहे हैं। चाचा शरद पवार और भतीजे अजीत के बीच में बटी एनसीपी के दोनों गुट लगातार आमने सामने हैं और शुक्रवार को इसमें एक और नया प्रकरण जुड़ गया। असल में अजीत पवार गुट ने शरद पवार के विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर की है। सामने आया है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजीत पवार गुट ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय में शरद पवार समूह के विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर की।